नंबर थ्री, इन्होंने क्या दिया, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। कहने का मतलब ये है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, तथा अपने उत्तर का कारण भी क्या करना हमें देना है। तो चलिए इसमें बताते हैं कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है और कौन सा इक्वल है। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में मिला 10 × 10^11। तो देखिए 10 की यहाँ पावर नहीं है तो इसको 1 मानेंगे। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड से। तो चलिए थ्री क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट है, चलिए बारी बारी से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले लेफ्ट से शुरू करते हैं, देखिए LHS, ठीक है, इज इक्वल टू LHS में क्या मिला, देखिए दोनों का बेस हमारा सेम है 10 × 10, तो यहाँ 10 कर दीजिए। 10 की पावर्स नहीं है तो इसको क्या मानेंगे, 1 प्लस इसकी पावर्स कितनी है, 11। ऐड करके देखिए रिजल्ट क्या मिलता है हमें, 10, 1 प्लस 11 कितना मिल गया, 12, यानी 10 की पावर क्या मिला, 12। ये इसका आंसर हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। चलिए RHS निकालते हैं, RHS में क्या मिला, 100 की पावर 11, तो यहाँ लिखिए 100 की पावर 11। तो 100 की पावर 11, तो 100 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए 100 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज करके 11। तो देखिए 10 10 जो क्या मिला हमें, 100, ठीक है, 11 का 11। अब पावर से पावर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 10 2 × क्या मिला, 11, तो यहाँ लिखिए 2 × 11, आंसर क्या मिला, 10 2 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिला, 22। तो देखिए दोनों का हमारा जो आंसर आ रहा है अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स है, डज नॉट इक्वल है। तो यहां लिखिए सिंस LHS लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल RHS यानी राइट हैंड साइड, यहां लिखिए देयरफोर इट इज क्या है हमारे, फॉल्स है। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट पे देखते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या मिला, 2 की पावर 3 > 5 की पावर 2। LHS सॉल्व कीजिए, लिखिए LHS, ठीक है, LHS में क्या मिला, 2 की पावर 3। तो देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 2 × 2 × 2। तो देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 क्या मिला, 8। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिला। चलिए RHS को सॉल्व करते हैं, RHS में क्या मिला, देखिए 5 की पावर 2, तो 5 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 5 5 जा क्या मिला हमें, 25। ठीक है, तो देखिए LHS RHS आंसर सेम नहीं है। ठीक है, तो क्या है हमारे, फॉल्स है, यानी डज नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है। तो यहां लिखिए सिंस LHS, ठीक है, इज नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, RHS, ठीक है, यहां लिखिए देयरफोर इट इज क्या है, फॉल्स है, तो यहां लिखिए फॉल्स। ये सेकंड पार्ट का आंसर मिला, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो देखिए यहां पे थर्ड पार्ट में क्या मिला, देखिए 2 की पावर क्या मिला 3 × 3 की पावर क्या मिला 2। LHS कीजिए यहां पे LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कीजिए, तो यहां लिखिए, देखिए 2 की पावर क्या मिला 3 × 3 की पावर क्या मिला 2। तो देखिए 2 की पावर 3 है तो कितनी बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 कितनी बार है, 2 बार। तो देखिए अब यहां देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है, तो यहां 8 कर दीजिए, इंटू यहां देखिए 3 × 3 क्या मिला, 9। तो देखिए क्या मिल गया यहाँ पे, 8 × 9 = 72। चलिए RHS सोल्व करते हैं, RHS में क्या मिला, 6 की पावर 5, तो यहां लिखिए 6 की पावर 5 कितनी बार लिखेंगे, 6 × 6 × 6 × 6 × 6 ×, ठीक है, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 5 बार हो गया। तो देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 6 जा क्या मिला, 36, 36 6 जा क्या मिला, 216,
216 से क्या मिला, 1296। अब देखिए 1296 से क्या मिला, 7776। ये इसका आंसर हो गया और ये LHS का हो गया। तो देखिए ये LHS का आंसर और RHS का सेम नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या है, फॉल्स है। तो यहां लिखिए सिंस LHS लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल RHS, यहां लिखिए देयरफॉर इट इज क्या है, फॉल्स है। बस ये थर्ड का आंसर है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या मिला, फोर्थ पार्ट में मिला 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1000 की पावर 0। तो देखिए दोनों का ही जीरो है, तो 3 जिसकी पावर जीरो होती है उसको 1 मानते हैं, यहां भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों क्या है, इक्वल है। सॉल्व करके देख लेते हैं LHS। तो लिखिए यहाँ पे 3 की पावर 0, तो जब 3 की पावर 0 है तो इसको क्या मानेंगे, 1। ये हमारा आंसर होगा LHS का। RHS देखते हैं, RHS में कितना मिला, 1000 की पावर 0। तो जब 1000 की पावर 0 है तो इसको क्या मानेंगे, 1। दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया, तो ये क्या है, इक्वल है। तो यहां लिखिए सिंस LHS इक्वल RHS, यहां लिखिए देयरफॉर इट इज क्या है, ट्रू है, यानी सत्य है। यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। दैट्स इट।